पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली में पंडाल का एक हिस्सा गिर गया था। हमने आपको बताया बारिश लगातार हो रही थी, उसके बाद घायलों से मिलने पीएम मोदी अस्पताल पहुंच गए। पश्चिम मिदनापुर में पीएम की रैली थी, बारिश होती रही, हुजूम था, लोग बैठे रहे। तो पीएम ने वहां पर कहा कि उनमें हिम्मत है, तुम जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये पंडाल का हिस्सा गिरा, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। ये अनप्रेसिडेंटेड था, किसी ने सोचा नहीं था किस तरीके से पहुंच जाएंगे, लेकिन घायलों से मिलने पहुंच गए, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा, मिदनापुर पहुंचे हैं। तो ऐसे में पीएम ने घायलों का हालचाल जानना बेहतर समझा, क्योंकि जिक्र उन्होंने पहले किया था, देखिए बारिश जितनी आप लोग फिर भी डटे हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से एक तरफ पीएम की रैली थी, पीएम की रैली हुई, वहां पर एक हिस्सा गिरा, उसके बाद क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, बारिश लगातार होने के बाद एक हिस्सा गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गए कि तुम में हिम्मत है। पीएम की आवाज नजर आ रही है, जो कह रहे हैं कि तुम में हिम्मत है, ठीक हो जाएंगी आप। देखिए साफ आवाज नजर आ रही है, आवाज आप सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम में हिम्मत है तो तुम ठीक हो जाओ। ये देखिए तुम हिम्मत है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये मिलने नहीं जाना था, ये किस तरीके का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, ऐसे में पंडाल गिर गया। बहुत से हमने इस तरह की देखी है चीज़ें कि कई बार ऐसा होता है कि पंडाल गिर जाता है या फिर स्टेज गिर जाती है, और पीएम देखने के लिए चले जाएँ यहाँ पर उनको और उनका हालचाल जानने चले जाएँ, ये अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करता है। पूजा क्या कुछ हुआ, पूरा डिटेल बताइए। सचिन आपको पहले बता दें कि पिछले 3-4 दिन से ही पश्चिम मिदनापुर जिले में काफी बारिश हो रही है, और इस जगह पर जहां पर ये किसान सभा होने वाली थी उस मैदान का नाम है कॉलेज मार्च, और वहीं पर इन बड़े बड़े से टेंट लगाए गए थे। तो जो फर्स्ट टेंट था वो जो है अचानक से वो कोलैप्स हो जाता है, हालांकि वो डोम शेप का था, इस वजह से कोई भी उसके नीचे नहीं दबे। 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए वो बुद्धड़ में हुए हैं, क्योंकि पैनिक थी लोगों में और पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जितने भी पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने साथ ही साथ जो है उनका इवैक्यूएशन कराया, क्योंकि एसपीजी कवर होता है जब प्रधानमंत्री किसी इवेंट में जाते हैं, तो चारों तरफ से जो है वो कॉर्डन बिछाया जाता है, तो बैरिकेडिंग थी तो लोग नहीं निकल पा रहे थे। उसके बावजूद पुलिस ने बहुत इमीडिएट रिएक्ट करते हुए सारे लोगों को वहां से निकाला और इवैक्यूएट किया, और अभी फिलहाल जो है वो 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए वो अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा को खत्म करने के साथ ही साथ वो अस्पताल जाते हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सचिन जी, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो ये घायलों को देखने के लिए पहुंची, एक जेस्चर ही सही, लेकिन अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि देखिए एक जेस्चर, जो कि वो व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचा है सुनने के लिए, देखने के लिए, उस व्यक्ति के दिल को तो कम से कम छू गया।